हेलो एवरीवन कोमल शर्मा द साइड एंड हेयर आई वेलकम यू लेट यू ओन गार्गी क्लासेस प्लेस वेर यू कैन इजीली गेट ऑल द इंफॉमेशन्स रेलिवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल राइट दैन सो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ ऑल रेलिवेंट टू योर एन टी नेट यू जी सी इंग्लिश लिटरेचर जो कि अपना यूनिट फर्स्ट आपके सिलेबस का जो यूनिट फर्स्ट है उसका आ, जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ड्रामा उसी सब टॉपिक उसी का सब टॉपिक ब्रिटिश ड्रामा की सीरीज़ अभी चल रही है अपनी तो अभी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली तो यूनिवर्सिटी विच में लास्ट एंड वन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बार जिसकी की बायोग्राफी एंड प्लस द फॉर्मोस्ट एंड फर्स्ट ड्रामा अबाउट विच आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो तो क्रिस्टोफर मार्लोव की मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर मार्लोव की बायोग्राफी एंड अबाउट इस फर्स्ट ड्रामा तैम्बुल इन द ग्रेट उन उसके दोनों पार्ट्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले जाके आप वो प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको जो भी अभी जो ऑनगोइंग जो लेक्चर है उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली लिंक दे रखा है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप जो भी प्रीवियस वीडियोस होंगी वो आपके सामने होंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं बेसिकली एंड डोंट फिगेट टू फॉलो अर्स अपॉन द प्लेटफॉर्म टेलीग्राम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो एक्सेसिव जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करना है और राइट एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी ऑल अबाउट दी ड्रामा द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस डॉक्टर फॉस्टस ये पर्टिकुलर प्ले है इसका सब टाइटल डॉक्टर फाउस्टर्स है तो दिस इज एन एलिजथ इन ट्रेजिडी विच वॉज रिटर्न बाई क्रिस्टफ़र ठीक है तो इस ड्रामा के बारे में बेसिकली मैं डिटेल आउट करने जा रही हूँ ठीक है तो आइए शुरू करते हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ डॉक्टर फॉस्टर्स कॉमिकली रेफर्ड एज डॉक्टर फाउस्टर्स एज़ एन एलिजाब इन ट्रेजडी विच वॉज रिटन बाय क्रिस्टोफर मारलाओ तो क्रिस्टफ़र मारलाओ की बेसिकली ये पर्टिकुलर ड्रामा है ट्रेजडी है ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इसको कॉमनली डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से जाना जाता है इस ट्रेजडी को बट वैसे इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ डॉक्टर फॉस्टर्स ठीक है द ट्रेजडी इज बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरीज़ अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट ये जो पर्टिकुलर ट्रेजडी है ये बेस्ड है अपॉन अ जर्मन स्टोरी जो भी जर्मन स्टोरी जर्मनी की जो स्टोरीज़ हैं उनमें एक फेमस कैरेक्टर जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इन मिनी स्टोरीज़ ऑफ जर्मनी तो जर्मन जो स्टोरीज़ है उन्हीं पर ये बेस्ड है जो डॉक्टर फॉस्ट जो टाइटल कैरेक्टर है उसकी जो ट्रेजडी है वो जर्मन स्टोरीज़ पर ही बेस्ड है ठीक है इट वॉज़ रिटर्न समाइम्स बिटवीन फिफ्टीन ऐटी नाइन एंड फ़िफ्टीन नाइनटी टू फिफ्टीन ऐटी नाइन टू फिफ्टीन नाइन्टी टू इस ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर ट्रेजडी लिखी गई थी टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्लेवर पब्लिश इन द जकोबियन एरा सेवल ईयर्स लेटर और बहुत साल बाद ये पर्टिकुलर ड्रामा लिखा गया था इन द एलिजाबन एरा और इसके बहुत साल बाद जब जेम्स फर्स्ट का एरा आया था जिसको जिकॉबियन एरा भी बोलते हैं स्ट्यूवर्ट पीरियड भी बोलते हैं उस ड्यूरेशन में इसके बेसिकली दो वर्जन्स पब्लिश हुए थे इस पर्टिकुलर ट्रेजिडी के ठीक है अब सबसे पहले जो प्ले शुरू होता है विद प्रोलोग तो प्रोलोग से इस प्ले की शुरुआत होती है तो एग्जैक्टली प्रोलॉग में क्या होता है वो जानते हैं

थ्रू सिंगिंग वो रिप्रजेंट करता है ठीक है इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली तो यहाँ पर जो कॉरस है वो सिर्फ एक सिंगल एक्टर है जो कि स्टेज पर एंटर होता है बेसिकली एंड वो इंट्रोड्यूस करता है द प्लॉट ऑफ द प्ले इट इन्वॉल्व इट विल इन्वॉल्व नीदर लव नॉर वॉर और वो इंट्रोड्यूस करता है ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है ना ये किसी लव अफेयर के, के बारे में है ना ही किसी वॉर के बारे में है बट एंड स्टेड विल ट्रेस द फॉर्म ऑफ द फॉस्टस फॉर्चून लेकिन ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है ये जो ट्रेजडी है वो ट्रेस करती है जो भी डॉक्टर फॉस्टस है उसके फार्चून को दॉरस क्रॉनिकल्स हाउ फॉस्टर्स वॉज बॉर्न टू लॉली लॉली पेरेंट्स इन द स्मॉल टाउन ऑफ ब्रॉडे हाउ ही केम टू द टाउन ऑफ वटनबर्ग टू लिव विद हिस्किन्स मैन एंड हाउ ही वॉज एजुकेट एट विटनबर्ग अ फेमस जर्मन यूनिवर्सिटी अब वो जो कॉरेस है वो इंट्रोड्यूस करता है द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेजिडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स वो इंट्रोड्यूस करता है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उनका जन्म हुआ था इन अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ रोडे जो जर्मनी का बेसिकली एक बहुत ही स्मॉल टाउन है जहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स का जन्म हुआ था एंड ही वॉज बॉर्न टू अ लवली पेरेंट्स उनके जो पेरेंट्स थे दे वर टू पुअर हाउ ही केम टू द टाउन ऑफ विटनबर्ग और वो इंट्रोड्यूस करता है क्रोनोलॉजी को कि किस तरीके से जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो विटनबर्ग आए अपने किन्समैन जो भी उनके रिलेटिव हैं उनके साथ रहने रह रहने के लिए एंड हाउ ही वॉज एजुकेटेड एट विटनबर्ग और विटनबर्ग जो यूनिवर्सिटी है जो फेमस यूनिवर्सिटी है जर्मन फेमस यूनिवर्सिटी है विटनबर्ग वहाँ से उन्होंने एजुकेशन गें गेन की आफ्टर अर्निंग द टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ डिवीनिटी लेटर ऑन ही गॉट द टाइटल ऑफ द डॉक्टर ऑफ डिवीनिटी फॉस्टर्स बिकेम फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू डिस्कस थियोलॉजिकल मैटर्स लेटर ऑन आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ डिवीनिटी डॉक्टर फॉस्टर्स जो थे उनमें ये एबिलिटी आ गई थी डैट ही स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल अबाउट द थियोलॉजिकल मैटर्स ऑल अबाउट द रिलीजियस मैटर्स द कॉरस एड्स दैट फर्स्ट इज सन विद करनिंग एंड हैज़ बिगिन टू प्रैक्टिस नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक आफ्टर सम टाइम जब वो अपने जो भी उनका फील्ड था जो भी उनका मैटर ऑफ इंटरेस्ट था जो वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उन्होंने डिग्री गेन की और थियोलॉजिकल मैटर्स के बारे में डिस्कस करते 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 वो बहुत ज़्यादा मोनाटोनस हो गए थे विद विदिज लाइफ रूटीन तो उन्होंने उसको चेंज करने का सोचा आने स्टार्टड प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक और जिसे नेक्रोमेंसी भी कहा जाता है द प्रोलॉग कंक्लूड्स बाय स्टेटिंग दैट फोस्टस इज सी सीटेड एन हेज स्टडी अब बेसिकली ये जो प्रोलॉग है यहाँ पे एंड होता है और जो कॉरस है वो इंट्रोड्यूस करता है कि अभी जो डॉक्टर फॉस्टस है वो अपने स्टडी रूम में बैठे तो इस तरीके से यू कैन गेट द थिंग्स ऑल अबाउट डॉक्टर फॉस्टसिस फॉर्चून वॉट विल है वॉट विल बी देयर टू हैपन इन हिज लाइफ बिकॉज जैसा उनका डिसीजन था कि एज अ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी जो रिलीजियस डॉक्टर वो बन चुके थे थियोलॉजिकल मैटर्स पे वो डिस्कस करते थे स्पीच देते थे इन सब के बावजूद आफ्टर गेटिंग मोनोटोनस वो मोनोटोनस हो चुके थे अपनी लाइफ से अपने लाइफ रूटीन से अपने स्टडीज से ठीक है तो कहीं ना कहीं ही बिकेम स्वॉलन विद द कनिंग्स एंड उन्होंने डिसाइड किया टू प्रैक्टिस द नेक्रोमेंसी ताकि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आए ठीक है थीके? तो यहाँ पे ये प्रोलोग खत्म होता है बाय अ सिंगल एक्टर टू होम वी नेम्ड एज दी कॉर्स अब यहाँ पे प्लॉट का शुरुआत होती है एग्जैक्टली exactly. कि अब डॉक्टर फॉस्टर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं क्या उनके डिसीजंस की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज उनकी लाइफ में उनको फेस करने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स अ वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर ग्रोज डिससेटिस्फ़ाइड विद द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज लाइक लॉजिक मेडिसिन लॉ एंड रिलीजन एंड डिसाइड्स दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि एक वेल रेनाउंड जर्मन स्कॉलर हैं ठीक है ही ग्रोज़ डिससेटिसफाइड तो वो जो उनके लिमिट्स थी ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है जो कि लॉजिक में उनका नॉलेज था मेडिसिन में लॉ में रिलीजन में तो इन सारे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का एक्चुअली एक लिमिट एक होता है और उन लिमिटेशन से वो डिसटिस्फाइड हो चुके थे वो नॉट अनस्स हो चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक तो उन्होंने मैजिक ब्लैक मैजिक और नेक्रोमैंसी को प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया हिज फ्रेंड वेल्डस एंड कॉर्नीलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन द ब्लैक आर्ट्स अब उनके जो फ्रेंड्स थे डॉक्टर फॉस्टस के जो फ्रेंड्स थे जो कि वेल्डस एंड कॉर्न कॉर्नीलियस ये दोनों उनके फ्रेंड्स थे बेसिकली तो उन्होंने एग्जैक्टली डॉक्टर फॉस्टस को इंस्ट्रक्ट किया कि किस तरीके से आप ब्लैक आर्ट्स को सीख सकते हैं and he begins his new career as a magician by summoning up Mephistopheles a Devil. Finally, जब उन्होंने वो black magic सीख लिया तो उन्होंने summon किया उन्होंने बुलाया उन्होंने recall call किया Mephistopheles, Mephistopheles जो कि एक devil है ठीक है उसको summon किया उसको बुलाया Despite Mephistopheles' warnings about the horrors of the hell, Faustus टेल्स दैट डेवल टू रिटर्न टू हिज मास्टर लूसफर विद एन ऑफ़र ऑफ फॉस्टसल इन एक्सचेंज फॉर ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ सर्विस फ्राम मेफेस्टोफिलस अब एग्जैक्टली क्या होता है मेफेस्टोफल्स जो है जो जो डेवल होता है वो वहाँ पर आता है अपॉन कॉलिंग बाई डॉक्टर फॉस्टस तो डॉक्टर फॉस्टस जब उसको बुलाता है मेफेस्टोफलस डेवल को तो मेफेस्टोफलस एग्जैक्टली डॉक्टर फोस्टस को वार्निंग देता है हेल्थ के जितने भी हॉरर्स हैं उनके सबके बारे में बताता है बट डिस्पाइट ऑल दोज वार्निंग्स डॉक्टर फॉस्टर्स एग्जैक्टली मेफेस्टोफल्स को बोलते हैं कि तुम जाओ अपने मास्टर लूसफ़र को ये चीज़ ये इंफॉर्म करो उन्हें ऑफर दो कि डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी सोल को अपनी सोल को सेल कर रहे हैं बट अपॉन दी कंडीशन की मेफेस्टोफल्स जो है वो ट्वेंटी फोर ईयर्स तक उनकी सर्विस में रहेगा उनको थ्रूआउट वर्ल्ड घुमाएगा एंड प्लस जो जो एडवेंचर्स होते हैं वो सब कराएगा तो अब क्या होता है मैफेस्टोलस ठीक है एग्री हो जाता है वो जाता है अपने मास्टर के पास और मीन बाई वैगनर फॉस्टर्स इज सर्वेंट अब उसी टाइम पे जो डॉक्टर फॉस्टर्स का एक सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है वैगनर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिमेंबर दिस कैरेक्टर वैगनर डॉक्टर फोस्टस एज सर्वेंट तो डॉक्टर फोस्टस का जो सर्वेंट होता है वैगनर ही हैज़ पिक्ड अप सम मैजिकल एबिलिटी वो क्या करता है बाय चांस कुछ मैजिकल एबिलिटी बाय हरिंग दैम और बाय सीइंग और डूइंग दैम जब वो कुछ कर रहे होते हैं मैजिक का तो उस टाइम पे डॉक्टर फर्स्ट उसको फॉलो करते करते वो कुछ मैजिकल एबिलिटीज़ ख़ुद भी सीख जाता है जो उनका सर्वेंट होता है एंड ही यूजेज़ टू प्रेस अ क्लाउन नेम्ड रॉबिन इन टू हिज सर्विस अब वो क्या करता है वैगनर उन मैजिक्स का यूज़ करके एक क्लाउन जिसका नाम है रॉबिन उसको अपनी सर्विस में ले लेता है विच मीन्स उसको अपना सर्वेंट बना लेता है तो इस तरीके से ये प्लॉट की शुरुआत होती है अब आगे क्या होता है मेफेस्टोफलस रिटर्न टू डॉक्टर फॉस्टस विद वर्ड दैट लूसीफर हैज़ एक्सेप्टेड फॉस्टसिस ऑफर अब मेफेस्टोफलस जो होता है डॉक्टर फॉस्टस के पास वापस आता है और वो बोलता है कि जो लूसीफ़र है जो मेफेस्टोफलस और जो हेल का जो मास्टर है उसने फॉस्टस का एक्जैक्टली exactly ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है फॉस्टस इज एक्सपीरियंस सम मिस गिविंग्स एंड वंडर्स इफ ही शुड रिपेंट एंड सेव इज सोल इन द एंड दो ही एग्रीज टू द डील साइनिंग इट ओवर हिस्स प्लान अब डॉक्टर फॉस्टस ये चीज़ को एक्सपीरियंस करता है जो भी वो मैस गिविंग कर चुका था और वांडर भी करता है उससे थोड़ा शॉक भी लगता है इफ़ यू शुड रिपेंट एंड सेवि कि बाय फ्यूचर अगर मेरी सोल चेंज होती है मेरा मन बदलता है तो क्या मैं रिपेंट कर सकता हूँ बट ऐसा कोई चांस था नहीं बट फिर भी डॉक्टर फॉस्टस ने क्या किया एग्री कर लिया मेफस्टोफलस और लूसफ़र का जो भी ऑफर था उसको As soon as he does so, the words Fuse," Latin for "Oh man fly," appear branded on his arm. Later on, जब जैसे उनका bond final हुआ, तो उस bond को finalize करने का एक sign वहाँ पे हुआ। जब Doctor Foster की arm पे ये जो word है Latin में "homofuse" ये लिखा गया, with his blood, और इसका मतलब होता है "O man fly." होम्योफिजी का मतलब होता है एम फ्लाई तो ये पर्टिकुलर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्जैक्टली डॉक्टर फॉस्टर्स के आम पे क्या वर्ड लिखा होता है इन लेटरन और उसका मतलब क्या होता है ठीक है फॉस्टर्स अगेन हैज सेकेंड थाट्स बट था, तो मैफिस बिस्ट रिच रिच ऑन हेम एंड गिव्स हेम अ बुक ऑफ स्पेल्स टू लर्न अब डॉक्टर फॉस्टर्स फिर से अपना जो भी डीड्स करने जा रहे थे जो भी उनका डिसीजन था उसको दोबारा से रीथिंक करते हैं लेकिन जो मैफिस्टोफलर्स होता है वो उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दे के इम्प्रेस कर देता है और एक बुक देता है जिसमें जो भी स्पेल्स होते हैं जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं उनको सीखने के तरीके होते हैं तो इस तरीके से डॉक्टर फॉस्टस पूरी तरीके से इन्फाचुएट हो जाता है उन सारे गिफ्ट्स और उस बुक से फिर वो अपना जो आइडिया होता है ऑफ रिपेंटिंग उसको गिव अप कर देते हैं और मूव हो जाते हैं विद द डिवीलियस आस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ठीक है आगे क्या होता है लेटर मेफेस्टोफल्स आंसर्स ऑल ऑफ his questions अबाउट द नेचर ऑफ़ द वर्ल्ड रिफ्यूजिंग टू आंसर ओनली when फॉस्टर्स आस्क हिम हु मेड द यूनिवर्स अब एक्जैक्टली डॉक्टर फॉस्टर्स ऑफ मेफिस्टोफलस जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड घूमने के लिए निकल चुके हैं तो डॉक्टर फॉस्टर्स एक्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं मेफेस्टोफलस से और मेफेस्टोफलस एग्जैक्टली exactly उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देता है सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है जब डॉक्टर फॉस्टर्स ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली exactly इस यूनिवर्स को किसने बनाया ठीक है तो ये किसने बनाई ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर देना एग्जैक्टली exactly उसके रूल्स में नहीं था बींग डेवल वो कभी ये नहीं बोल सकता था दैट गॉड इज़ द सुप्रीम बींग एंड ही मेड द यूनिवर्स ये चीज़ नहीं बोल सकता था बींग डेवल तो इस चीज़ का आंसर वो नहीं देता है दिस रिफ्यूज प्राम्स येट अनोदर बॉट ऑफ मिस गिविंग्स इन फॉस्टर्स अब ये जो डाउट था कि एग्जैक्टली exactly जो मैफिस्टोफलस है इसने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो उसके मन में डाउट आता है डॉक्टर फॉस्टर्स के मन में डाउट आता है और वो सोचता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा कहीं कुछ बहुत बुरा होगा मेरे साथ कुछ दोबारा सोचता है बट मैफिस्टोफलस एंड लूसीफर ब्रिंग इन पर सोनिफिकेशन ऑफ सेवन डेडली सेंस टू प्रांस about in front of Foster's and he is impressed enough to quiet his doubt. अब क्या होता है जब उसके मन में ये doubt arise होता है उसी time पर मैफिसस और जो लूसफ़र हैं वो seven deadly sins को recall करते हैं वो उसको उनको बुलाते हैं seven deadly sins को और वो डॉक्टर फॉस्टस के सामने अलग अलग जो भी है चीज़ें प्रेजेंट करती हैं परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट करती हैं और इससे डॉक्टर फॉस्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसके मन में जो डाउट होता है वो सारा क्लियर हो जाता है वो चुप हो जाता है डाउट ठीक है सॉरी ऑल राइट आर्म विद न्यू पावर्स एंड अटेंडेड बाय मैफेस्टोफिलस फॉस्टर्स बिगिनस टू ट्रैवल अब जो फाइनली वो सेटिस्फाई हो जाता है मैफेस्टोफल्स और उसकी जो भी पावर्स होती हैं उससे फिर वो दोनों ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ते हैं आगे ही गोज़ टू द पॉप्स कॉट इन रोम मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल एंड प्लेज अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स अब सबसे पहले जो है डॉक्टर फॉस्टस मैफेस्टोफल्स कहाँ जाते हैं जो पॉप रोमन कैथोलिक चर्च के जो पॉप होते हैं रोम में वहाँ जाते हैं और वहाँ पे इनविजिबल होके बहुत सारे ट्रिक्स प्लेस करते हैं पॉप को जो चर्च का जो पॉप होता है उसको इरिटेट करने के लिए ही डिस्ट्रप्स द पॉप्स बैंक्वेट बाय स्टीलिंग फूड एंड बॉक्सिंग द एयर्स अब एग्जैक्टली exactly क्या होता है जो वहाँ का बैंक्विट अभी चल रहा है पार्टी चल रही है तो उस सारी पार्टी को डिस्टर्ब कर देते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स बाय स्टीलिंग द फूड वहाँ का जो फूड होता है उसको चुरा लेते हैं छिपा देते हैं और कॉन्टिन्यूसली जो पॉप का जो ईयर्स है उन पर बॉक्स आउट करते हैं बॉक्सिंग करते हैं तो इस तरीके से पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं वहाँ की पार्टी का फॉलोइंग दिस इंसिडेंट ही ट्रैवल्स थ्रू द कोर्ट्स ऑफ यूरोप विद इज फेम स्प्रेडिंग एज ई गोज अब नेक्स्ट जो क्या होता है पूरा यूरोप घूमते हैं और जितने भी यूरोप के कोर्ट्स हैं वहाँ पे जा जा के ट्रैवल करते हैं लोगों ने बुलाते हैं क्योंकि उनकी जो फेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी मैजिक की जो फेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसलिए यूरोप के जितने भी कोर्ट्स हैं वो वहाँ अलग अलग कोर्ट्स में जाते हैं इवेंचुअली ही इज इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द जर्मन एम्पर चार्ल्स फिफ्थ फाइनली उन्हें जो जर्मन एम्पर है चार्ल्स फिफ्थ वो बुलाते हैं नी आज तो, फॉर्स्ट टू तो अलाउ हिम टू तो सी एलेक्जेंडर द ग्रेट द फेम्ड फोर्थ सैंचुरी मैसिडोनियन मैसिडोनियन किंग एंड कॉन क्वारर अब एग्जैक्टली क्या होता है चार्ल्स फिफ्थ ये डिमांड रखते हैं इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स कि मुझे एलेक्जेंडर द ग्रीट को देखना है एलेक्जेंडर द ग्रीट कौन होते हैं एक्जैक्टली फोर्थ सैंचुरी के मैसडोनियन किंग होते हैं ठीक है मैसडोनिया के किंग होते हैं ग्रीक की जो सिटी है मैसडानिया आका टाउन है तो वहाँ के जो किंग होते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट उनको देखना है ये चार्ल्स फिफ्थ अपनी डिमांड रखता है फॉस्टस कॉन्जोर्स एन इमेज ऑफ अलेक्जेंडर एंड चार्ल्स इज सूटेबली इम्प्रेस अलेक्जेंडर अब एग्जैक्टली exactly क्या होता है डॉक्टर फॉस्टस चार्ल्स फिफ्थ की विश को पूरी करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ल्स फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं बाई डॉक्टर फॉस्टस इज मैच

अब डॉक्टर फॉस्टर्स क्या होता है गुस्सा हो जाता है उस नाइट से और वो उसके एग्जैक्टली exactly, uh, उसके सर पे सींग उगा देते हैं काइंड ऑफ यू नो हॉर्न्स तो हॉर्ंस उगा देते हैं हॉर्न्स स्प्राउट आ, स्प्राउट आउट हो जाते हैं उसके हेड से नाइट के हेड से फ्यूरियस द नाइट वोज़ रिवेंज अब वो जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा ग़ुस्सा हो जाता है इस चीज़ से और वो रिवेंज लेने की शपथ लेता है कि मैं रिवेंज लूँगा डॉक्टर फॉस्टर्स से मीन वाइल रॉबिन वैगनर्स क्लाउन Wagner's clown has picked up some magic on his own and with his fellow stable and Raff he undergoes a number of comic misadventures. अब वो जो Wagner होता है और जो Robin होता है Robin जो कि Wagner Wagner मैंने बताया था Doctor Foster's का uh, basically servant है जिसने कुछ magic tricks सीखी थी जिसने Robin जो कि clown है उसको अपना service में ले लिया था तो वो बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं उन मैजिक्स के थ्रू में से एडवेंचर्स करते हैं एंड एट वन पॉइंट ही मैनेजर्स टू सम मेफिस्टोफलस और किसी तरीके से वो दोनों जो होते हैं मेफेस्टोफलस को बुला लेते हैं हु थ्रेटन्स टू टर्न रॉबिन एंड रैफ इन टू एनिमल्स टू पनिश ड फॉर देयर फुलिशनेस अब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? कि जो मेफेस्टोफलस वहाँ पे आता है और वो पनिशमेंट के तौर पे उन दोनों को रॉबिन और वैगनर जो कि अभी रैफ बना हुआ है रॉबिन और बैगनर दोनों को ही एनिमल्स में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि उनकी फुलिशनेस की वजह से उन्हें पनिश करता है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाँ हाफ मैजिक ट्रिक्स की वजह से दोनों प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं फॉस्टर्स दैन गोज ऑन विद हिज ट्रेवल प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अ हॉर्स कॉर्सर अलॉन्ग द वे अब डॉक्टर फॉस्टर्स आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रैवलिंग पे और वो ट्रिक प्ले करते हैं अप अ हॉर्स कॉर्सर एक हॉर्स कॉर्सरोल पे एक ट्रिक प्ले करते हैं सेल्स अ अ हॉर्स दैट टर्न्स इनटू हीप ऑफ स्ट्रो वैन अब क्या होता है डॉक्टर फॉस्टर्स एक हॉर्स कॉर्सरोल को एक हॉर्स सेल आउट कर देते हैं मैजिक से और वो जो हॉर्स है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू हीप ऑफ स्ट्रो जब वो एग्जैक्टली exactly रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो रिवर को क्रॉस करते टाइम पे जो हॉर्स कोर्स जो था उसको जो हॉर्स डॉक्टर फॉस्टर्स ने उसको गिफ्ट किया था वो हीप ऑफ स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है जब वो रिवर के थ्रू क्रॉस करते हैं रास्ता इवेंचुअली फॉस्टर्स इज इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट वेयर ही परफॉर्म्स वेरियस फीट्स अब क्या होता है डॉक्टर फॉस्टर्स को इन्वाइट किया जाता है टू द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वनहॉल्ट ड्यूक ऑफ एनॉल्ट उन्हें इनवाइट करता है डॉक्टर फॉस्टर्स को डॉक्टर फॉस्टर्स वहाँ जाता है और प्लस वहाँ पे बहुत सारे फीट्स बहुत सारे परफॉर्मेंसेस परफॉर्म करता है द हॉर्स कॉर्सर अब क्या होता है जो हॉर्स कॉर्सरस जिसको हॉर्स सेल आउट किया जाता है जो कि हिप ऑफ स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है हॉर्स कॉर्सर शो अप देयर वो वहाँ पर आता है रॉबिन भी आता है मैन नेम डिक रैफ एंड वेरियस अदर्स हैव फॉल इन विक्टिंग तो वो सारे विक्टम्स जो डॉक्टर फॉस्टर्स के ट्रिक्स में फंस के विक्टिम बन चुके थे वो सारे वहाँ वो सारे विक्टम्स आते हैं इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बट फॉस्टर्स का स्पेल ऑन दैम एंड सेंस दैम ऑन द वे लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टस है वो उन पे एक स्पेल क्रिएट करते हैं मैजिक के थ्रू एंड वो उन्हें अपने रास्ते पर लगा देते हैं वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं टू द अम्यूजमेंट ऑफ द ड्यूक ऑन डैच वो जो भी ड्यूक्स एंड डैचेस होते हैं उनको अम्यूज़ करने के लिए उनको अपने अपने रास्ते पर भेज देते हैं इस तरीके से कोई भी डॉक्टर फॉस्टर्स से रिवेंज नहीं ले पाता है एज ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ इज डील विद लूसीफर कम टू अ क्लोज फॉस्टर्स बिगिनस टू ड्रेड हिज इम्पेरिंग डैथ अब क्या होता है ट्वेंटी फोर ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टर्स अपना जो हम कह सकते हैं बुरा टाइम अपने कॉन्सिक्वेशन जो भी कंक्लूडिंग्स उनकी लाइफ जो भी ट्वेंटी फोर ईयर्स उन्होंने किया उसका अब एंड होने वाला है तो अपनी आने वाली डेथ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ही हैज़ मेफेस्टोफिलस कॉल अप हैलन ऑफ ट्रॉय अब फाइनली उसके एक विश होते हैं वो मेफेस्टोफिलस को बोलते हैं कि मुझे हेलन ऑफ ट्रॉय देखनी है द फेमस ब्यूटी फ्राम द एशंट वर्ल्ड एंड यूज हैस अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और बोलता है कि मुझे हेलट ऑफ ट्रॉय को सम्मान करना है तो उसे बुलाओ क्योंकि मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ जिन भी स्कॉलर्स को मैं बुलाऊंगा उनको इम्प्रेस करना चाहता हूँ विद माई मैच एंड ओल्ड एन ओल्ड मैन अर्जस फॉस्टस टू रिपेंट बट फॉस्टस ड्राइव से अवे अब एक ओल्ड मैन डॉक्टर फॉस्टस को अर्ज करता है कि तुम रिपेंट कर लो तुम पश्चाताप कर लो बट डॉक्टर फॉस्टस उन्हें भेज देता है वो उस चीज़ पर एग्री नहीं होता है

Foster tells the scholars about his pact and they are horror stricken and resolve to pray for him. अब जो जितने भी scholars हैं जिनके सामने जो doctor Foster है उन्होंने Helen of Troy को बुलाया था impress करने की कोशिश की थी उन scholars को तो उन scholars को अब वो consequences बताता है इन सारी चीज़ों को और वो सारे लोग डर जाते हैं और they started praying for doctor Foster's safe. On the final night before the expiration of twenty four years, Foster is overcome by fear and remorse. अब क्या होता है फाइनल नाइट जब आ चुके होते हैं ट्वेंटी फोर ईयर्स कम्प्लीट होने वाले रहते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स अपने फेयर और रिमोस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही बैग्स फॉर मर्सी बट इट इज़ टू लेट वो मर्सी के लिए प्रे करते हैं बट ये बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था ट्वेंटी फोर ईयर्स कम्प्लीट ही हो चुके थे उनके बॉन्ड के एट मिड नाइट अ होस्ट ऑफ डेवल्स अपीयर्स एंड कैरीज एज सॉल ऑफ टू द देल अब क्या होता है मिड में

सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स अगर इस स्टोरी से रेलिवेंट आपको कोई भी इशू हो आप डायरेक्टली कॉमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं डोंट सब्सक्राइब द चैनल डोंट गेट टू सब्सक्राइब द चैनल सॉरी एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आर ईच वीडियो एंड अफकोर्स इफ यू लाइक द वीडियो दैन प्रेस द लाइक बटन टू ऑल राइट डन सो थैंक यू सो मच अटेंडिंग लेक्चर एट गर्गी क्लासेस